गुड मॉर्निंग प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी मैन दीपक की स्टोरी का फोर्थ चैप्टर लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि दीपक की ये कहानी प्यार और इमोशंस से भरी हुई कहानी है। इसके बाकी के एपिसोड्स को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको और भी खूबसूरत कहानियां मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी इसके बाकी एपिसोड्स की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो उसे भी जाकर के जरूर सुनिएगा। तो चलिए और ज्यादा देरी नहीं करते और इस खूबसूरत स्टोरी की आगे की जर्नी को सुनते हैं। मैं हूं दीपक, एक एक्स आर्मी मैन और एक ऑफिसर, और मेरी कहानी में अब तक आपने मेरे और अभिनव के बीच प्यार पनपने की शुरुआत को जाना है। हम महीनों बाद मिले थे। मैं मिशन से लौटा था और वो सगाई करके। मेरे अंदर उसके लिए जो फीलिंग थी वो सिर्फ दोस्ती तक तो कभी थी ही नहीं, बस इस रिश्ते को, इस एहसास को मैं समझ ना सका। और उसने खुद मेरे से मेरे मन में चल रहे सवालों के जवाब भी दे दिए। उसने खुद से उस नए ब्लॉक के नए बिस्तर पर मेरी बाहों में आकर बताया कि वो भी मुझसे प्यार करता है। अब ये दौर था कि मुझे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पता तक नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या हूं, और मेरे जाने के बाद उसे डर था। और ये वो दूसरी रात थी जब मुझसे अभिनव ने पूछा था कि उसके छूने से, उसके करीब आने से, या उसने जो पहले किया था मेरे मिशन पर जाने के एक रात पहले, तो वो मुझे कैसा लगा था। उसने मेरे एहसास के बारे में पूछा तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं और उसे सच बताया कि मुझे अच्छा लगा था, मजा आया था। तब अभिनव ने कहा कि चलो फिर से करते हैं। फिर मैंने झिझक के साथ कहा कि यहां पर नहीं। मन तो कर रहा था कि उसे हाँ ही कहूं, पर पता नहीं क्यों मैं थोड़ा झिझका। पर उसने सामने से पूछा और जिद की, और उसने मेरी पूरी बॉडी को हाथों से और टांगों की मदद से महसूस करते हुए चेक किया, और तब मैं और ज्यादा बहक गया। अब मैं उसे ना नहीं कह सकता था क्योंकि रात का समय था और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वो पहले बाथरूम गया प्लान करके और पीछे से मुझे आने के लिए कहा थोड़ी देर बाद। मैं डरा हुआ था। मैं जैसे ही गया, वो कोने में बने बाथरूम के अंदर मेरा जो लोअर था वो खिसका करके शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि दो मिनट भी नहीं रुकेगा। मैंने देखा कि वो पागलों की तरह टूट चुका है। मैं उसे रोकने की हालत में भी नहीं था। मुझे ये सब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। और अचानक कदमों की आहट, उस आहट ने हमारे दोनों के बीच में जो एक्साइटमेंट थी उसको कम कर दिया था। हमारे बीच एक डर पैदा हो गया था, कोई था जो आ रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे और बैरक में टॉयलेट का बाथरूम का एरिया जो था काफी बड़ा था। एक साथ काफी लोग नहा सकते थे और टॉयलेट कर सकते थे, और हम दोनों आखिरी वाले टॉयलेट रूम के अंदर थे। कदमों की आहट अभिनव ने भी सुन ली। मैंने उसके बाल कस के पकड़कर उसे वहीं रोक लिया क्योंकि उसके मुंह से आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि हम दोनों पकड़े जाएंगे और आज जो होने वाला था उसका सोच करके मानो प्राण निकल रहे थे कि यार क्या होगा, क्या तमाशा होने वाला है। मैंने आग बंद कर ली और वो कदमों की जो आहट थी वो अचानक रुक गई ठीक हमारे बगल वाले टॉयलेट रूम के बाहर आकर। वो आहट हमारी तरफ ही अब तक बढ़ रही थी, पर पता नहीं क्यों किस्मत शायद ठीक थी कि ठीक हमारे वाले टॉयलेट के पास आने से पहले ही उसके कदम रुक गए थे। अब हम सुन सकते थे कि कोई टॉयलेट करने के लिए हमारे बगल वाले बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया है। मैं तो डरा ही हुआ था। सांस रोक कर हम दोनों वैसे के वैसे ही उसी पोजीशन पर खड़े रहे। न मैं हिल रहा था और ना ही अभिनव। बगल में बैठा आदमी पॉटी करते हुए गाना गुनगुनाने लगा
और गाना भी कुछ ऐसा था जो कि भोजपुरी में था। और ऐसा नहीं कि भोजपुरी गाने बुरे होते हैं, पर वो जो गाना था वो कुछ ऐसा था कि जिसे सुन करके किसी के भी अंदर हंसी आ जाए। अब वो गाना जब हमने सुना तो हंसी मुझे भी आने लग गई थी, जो कि काफ़ी फनी सा सॉन्ग था। अब मैंने तो कंट्रोल कर लिया, पर अभिनव से नहीं हुआ। अभिनव को हंसी आ रही थी, तब मैंने उसका बाल छोड़ करके मुंह दबा दिया, जबकि मैं बहुत सीरियस हो चुका था उस वक्त और वो हंस रहा था, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि यार किसी को पता चल गया कि हम टॉयलेट में दोनों क्या कर रहे हैं, तो जो तमाशा होना था, जो बदनामी होनी थी, पता नहीं उसके बाद क्या ही हो जाता। और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बदबू भी आ रही थी, मैं चुपचाप खड़ा बस चाह रहा था कि बगल में जो आदमी है वो चला जाए। अभिनव ऊपर सर करके अब मेरी तरफ देखने लगा, मुस्कुराने लगा। मैंने लोअर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तो अभिनव ने जोर से नीचे खींच दिया। मैंने अभिनव का इतराना देखा था, बच्चों की तरह। अभिनव और मैं लगभग 10-15 मिनट तक अब बाथरूम में यूं ही फंसे रहे। अगर थोड़ा सा भी हिलते या आवाज़ करते तो हम पकड़े जाते। जब वो व्यक्ति टॉयलेट से बाहर निकला, मैंने लोअर चढ़ाया और चुपचाप अपने बेड पर आकर के लेट गया। अभिनव ने रोकने की कोशिश की मुझे, पर मैं रुका नहीं। मैंने कहा कि यार अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ से निकल गया। मैंने अभिनव के आने का इंतज़ार किया बेड पर वो नहीं आया, और मैं उसकी ज़िद पूरी करने के लिए वापस टॉयलेट में चला गया। और फिर उसने जल्दी जल्दी जो करना था किया, और सच कहूँ तो मुझे भी वो सब कुछ अच्छा लगा था। हम आकर वापस अपने बेड पर सो गए। हम थक गए थे, डरे भी हुए थे, और फिर 2 घंटे बाद उठना भी तो था। अब हम सोए तो थे, अब 2 घंटे बाद मेरी नींद पहले खुल गई। ग्राउंड में वर्किंग भी करनी थी। मैं उठा पर अभिनव नहीं उठ रहा था। मैंने बोतल से पानी निकालकर उसके चेहरे पर मारा और तब वो झल्ला कर उठा। मुझे उसके साथ काम करने में मज़ा आता था, पर इस बार उसकी ड्यूटी कुछ और थी। उसे रस्सी खींच करके ग्राउंड में कुछ सेट करना था। कई बार हमारे हेड की कोशिश होती कि वो हम दोनों को अलग अलग जगह पर काम में ले जाए, पर फिर हम किसी न किसी तरह से एक साथ हो जाया करते थे। मैं और अभिनव दूसरी बार ये सब कर रहे थे, ये सब मतलब शारीरिक संबंध बनाना, पर मेरा मन पारुल की बातों के बारे में सोच रहा था। अब पारुल और अभिनव के बीच अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं इमोशनली कहीं ना कहीं अभिनव की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। मुझे उसकी बातें, उसका मेरे लिए केयर करना, सारी चीज़ें कर देना, और अब तो वो सब करना जो पता नहीं दोस्तों के बीच होनी चाहिए भी कि नहीं। पर इन सब के बावजूद जो फिजिकली मैं अट्रैक्टेड हो रहा था पारुल की बातों की तरफ, वो थी वो नई कॉल गर्ल। पारुल ने नई लड़की निशा का जिक्र किया था और मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी। पहली बात तो ये कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं शारीरिक संबंध, यानी कि जिस तरीके से मैंने पारुल के साथ किया था, वो सब कुछ कभी मैं अभिनव के साथ कर भी पाऊंगा या पॉसिबल होगा। हो सकता था कि मैं उसे हर्ट कर दूं, क्योंकि इसके बारे में ना तो मैंने कभी सुना था और ना ही कभी किसी को देखा था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। बस ये मेरी फीलिंग्स थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना प्यार करता था मैं उस वक्त अपने अभिनव से। मैं अपने काम में बिजी था और ग्राउंड में ये काम चल रहा था कि अचानक पीछे से अभिनव आया और मुझे गुदगुदी करते हुए छेड़ने लगा। मैंने उसे पकड़ कर पटक दिया और उसके हाथ पैर दबा दिए, वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में लगा मार्किंग वाला जो सफ़ेद पेंट था उसके चेहरे पर लगा। मैंने हंसते हुए कहा कि पीछे से हमला, कितना खूंखार हूँ तुझे मालूम है ना। अभिनव ने कहा कि पहाड़ी तू डरपोक है और मुझे मत बता कि तू कितना खूंखार है, मेरे ऊपर से हट जा अभी इसी वक्त, तो उससे ज्यादा मैं खूखार हूं, भूल गया कल रात की बात। तू भले ही मुझसे तगड़ा है पर हिम्मती तो हमेशा से मैं ही हूं। मैंने कहा कि काम करने दे यार, तेरे रस्सी लगाने की ड्यूटी थी ना, जाना कर अपने अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। अभिनव ने कहा कि तेरे बिना सारे काम आसान हो जाते हैं, तू है जिसको देख करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने अपना काम कर लिया है। फिर मैंने कहा कि अच्छा मेरे वैसे तेरे काम बिगड़ जाते हैं, तो
तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि बस तुझे देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अब वो मुझे छेड़ रहा था, लेकिन अब तक हम दोनों इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसा रिश्ता है और ये रिश्ता किस एंगल में जा कर के ख़त्म होगा, क्या होना है, कैसा टर्न लेगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने अभिनव को बहुत खुश देखा था और अब हमने खाना खाया, थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, मैं दाढ़ी शेव करने लगा। अभिनव ने कहा कि ओए पहाड़ी, तेरी झाड़ी भी साफ कर ले। खैर वो मुझे छेड़ रहा था, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं दबोच लिया और बोला कि करूँ तेरी झाड़ी साफ, शादी तेरी होने वाली है, ग्रूमिंग की जरूरत तुझे है, तुझे ज़्यादा ज़रूरी है झाड़ी साफ करने की। मैंने उसे मजाक मजाक में कह दिया कि तेरी वाइफ उसे अच्छा नहीं लगेगा, खुद को थोड़ा साफ साफ रखा कर, अपने पर ध्यान दे दे, तेरी तो शादी भी होने को है। पर अभिनव का मुंह उस बात से उतर गया। मैंने तुरंत बोला कि अरे यार माफ़ कर दे, तेरी वाइफ के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा था मैं, वो तो तुझे छेड़ रहा हूँ मैं, तुझे इतना बुरा लग गया उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। अभिनव उसी वक्त चला गया रूठ करके लड़कियों की तरह और बेड पर जा करके बैठ गया। अब खैर मैं तो उसे रूठा देख नहीं सकता था, अब मुझे उसे मनाना था। मैंने शेव की और फिर उसके ठीक पास जा करके बैठ गया। आसपास और भी लोग थे, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तब मैंने देखा कि अभिनव शांत होकर के बैठा अब तक। मैंने पूछा कि क्या हुआ तुझे अचानक, क्यों मुँह फुलाकर बैठ गया यार, ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने। अब इन्होंने बोला कि यार पता नहीं क्यों मैं शादी की बात सुन करके परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, पर अब करना पड़ रहा है और उस पर भी तेरे ये ताने। मैंने उसे पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहता था, सगाई तू कर ली ना तूने, अब क्या नाटक है। तब अब इन्होंने कहा कि यार अभी नहीं बताना मुझे, मेरा मूड खराब है, तुझे शाम को बताऊंगा। अब अभिनव अपने ड्यूटी पर गया और मैं आराम करने लगा। शाम हुई और फिर मुझे कॉल गर्ल पारुल का कॉल आया, वो मुझे बुला रही थी। अब मैंने ये बात अभिनव से छुपाई क्योंकि मुझे लगा कि अब ये बात सुनेगा तो बहुत भटकेगा। और फिर उस शाम को मैं अभिनव से छुप कर पारुल के पास चला गया। खैर पता नहीं ये सब मैं क्यों कर रहा था, शायद मुझे पता नहीं था कि ये सब सही है या गलत। पारुल ने कहा कि निशा ठीक बगल वाले होटल के रूम नंबर 402 में है। मैंने कहा कि मुझे निशा से नहीं तेरे साथ ही सब कुछ करना है। पारुल हंसने लगी और फिर हम दोनों ने बहुत एंजॉय भी किया। पारुल ने कहा कि किसी को तो भेज दे, उसे भी कस्टमर चाहिए, उसे बहुत नीड है पैसों की। जब मैं देर से लौटा था तो देखा कि मेरा अभिनव, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा प्यार, मेरे एक पुराने खास साथी अभिमन्यू के साथ है। जी हाँ, वही अभिमन्यु जिसके थ्रू मैं पहली बार पारुल से मिला था। और अभिमन्यु कहीं से भी सही इंसान नहीं था, वो मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाता था। और उसने मजाक बनाते हुए मुझसे पारुल के बारे में पूछ लिया कि आ गया मजे करके। और फिर अभिमन्यु को निशा के बारे में भी मालूम ही था, अभिनव को उसने सब कुछ बता दिया था पारुल ने कि निशा है और उसे भी कस्टमर की ज़रूरत है। अभिनव ने उस वक्त मुझसे बात भी नहीं की, पर जब हमने साथ में डिनर किया और सोने गए ठीक खाना खाने के बाद, तो मैंने देखा कि अब तक मुंह लटका हुआ है अभिनव का और वो उठ करके टहलने चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। अब दोनों साथ टहलते हुए ग्राउंड के बगल में बने चेयर पर हम बैठ गए। अभिनव ने कहा कि तू सच में इन कॉल गर्ल्स के पास जाता है क्या, और मुझे समझ में आ गया कि मिस्टर अभिमन्यु ने मेरे अभिनव को सब कुछ बता दिया कि मैं पारुल के पास जाता हूँ, मैं कॉल गर्ल्स से बातें करता हूँ। और ये बात शायद और ज़्यादा हर्ट कर गई थी अभिनव। मैंने कहा कि हाँ यार जाता हूँ। अभिनव ने कहा कि कब से जा रहा है तू, ये सब की आदत कब से लगा ली। मैंने उसे सब कुछ डिटेल में बता दिया। तब अभिनव ने कहा कि तू इतना कुछ मुझसे छुपा लेता है यार। मैंने कहा कि तू भी तो कॉल पर घंटों लगा रहता है, किसी न किसी से बातें करता है, मैंने ना तो कभी तुझसे उनके बारे में पूछा और ना ही कभी तूने उनके बारे में बताया। अभिनव ने कहा कि तूने सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश देखा है ना अब तक, हंसी मजाक करते हुए, मेरी तकलीफ और मेरी ज़िंदगी के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा कि जब तक तू बताएगी नहीं मैं कैसे जान पाऊँगा तेरे बारे में। अभिनव ने कहा कि सुन पहाड़ी, जब से तू मुझसे मिला है ना
मैंने जिंदगी तेरे हिसाब से जीनी शुरू कर दी है। मैंने तेरे सारे गम देखे हैं, चाहे वो तेरे मम्मी पापा को खोने वाली बात हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को तेरे खोने वाली बात या तेरे नाना जी को। तेरी जिंदगी में कोई है भी नहीं, ऐसे में तुझे क्या बताऊं? तुझे अपना दुख सुना के दुखी करूंगा क्या? आज तक कभी अपने अंदर की ये जो दर्द वाली बात है किसी के साथ मैंने शेयर नहीं की, तुझसे भी नहीं की। इसका मतलब ये थोड़ा है कि यार मैं इंसान नहीं हूं। मैंने बोला क्या हो गया, क्यों बहकी बहकी से अजीब बातें कर रहा है? जो कहना है कह देना, इतना क्या घुमा रहा है? तब अब इन्होंने कहा कि तू आज के बाद किसी कॉल गर्ल के पास नहीं जाएगा, पहले ये तू वादा कर। मैंने कहा कि क्यों नहीं जाऊंगा यार, मजा आता है, एंजॉयमेंट है, सुकून मिलता है, इतने पैसों का करूंगा क्या? कौन है मेरा अब, उस पर भी मैं अपने आप पे खर्च ना करूं, मस्ती ना करूं, तो क्या ही जिंदगी। तब अब इन्होंने कहा कि बस तू नहीं जाएगा यार, मेरी खातिर तुझे मारनी है ना तो मेरी ले लेना यार, मैं खोल के दे दूंगा। किसी कॉल गर्ल के पास नहीं जाएगा तू आज के बाद। मैंने कहा कि दिमाग खराब है तेरा, क्या हो गया तुझे? तब अभिनव रोने लगा और वजह भी नहीं बताया कि क्यों रो रहा है। मैंने बोला ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी? वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुझे, बताएगा? यार मुझे ना ये ड्रामे नहीं समझ में आते, तू बता क्या चल रहा है, इतना क्यों रो रहा है, कौन सी बात इतनी हर्ट कर गई? अब यार तू आर्मी में है ही क्यों था, मैं समझ नहीं पाता, लड़कियों की तरह रोता रहता है बात बात पे। तब अब इन्होंने बताया कि यार एक बात है जो जिसे मैं हमेशा भागते आया था, और वो बात थी उसके पुरुषों के प्रति आकर्षण वाली। अब इन्होंने रोते हुए बताया कि उसके साथ उसके घर में क्या क्या हुआ था, उसके घर में उसके समलैंगिक होने वाली बात सभी को मालूम है, फिर भी सभी उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अब इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा अपने परिवार वालों से प्यार करता हूँ, और सबसे ज़्यादा अपनी दादी जी से। दादी सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी चाहती थी, पर उनके चले जाने के बाद अब कोई नहीं जो मेरी सुने, क्योंकि सब कुछ खराब हो गया है मेरी ज़िंदगी में। अभिनव ने बताया कि जवानी की शुरुआत में अभिनव के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, जिसमें उसके खुद के पापा भी शामिल थे। ये बात सुनकर के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसी कौन सी घटना हो गई होगी जिसने अभिनव की जिंदगी को इतना प्रभावित किया था, जिसमें अभिनव के खुद के पापा भी इन्वॉल्व थे। अब ऐसी कौन सी घटना थी, क्या हुआ था, दोस्तों जानेंगे सब कुछ, मगर आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल सुबह 5 बजे पोस्ट हो जाएगी विथ मोर डिटेल्स। स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो स्टोरी को शेयर कीजिए अपने और भी समलैंगिक दोस्तों के साथ में। लाइक और कमेंट्स के जरिए अपना प्यार जरूर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव, मिलेगा ढेर सारा प्यार। थैंक यू।